नमस्कार दोस्तों, यहाँ ब्रह्म सरोवर पर एक बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिला। पेंसिल स्केच बना रहे थे कुछ स्टूडेंट्स और देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कंसंट्रेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा था, बेसिकली जितने भी स्केच बनवाना था वो इन्हें मोबाइल पे अपनी फ़ोटो भेज देता था और वो फ़ोटो देखकर ये कलाकार हूबहू उसी प्रकार की तस्वीर एक सफ़ेद कागज़ पर अपनी पेंसिल और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके उकेर रहे थे। आप देखिए मोबाइल में जो फ़ोटो है, सेम फ़ोटो हाथ से बड़े प्यार से बहुत ही कंसंट्रेशन से बनाई जा रही है और ये स्केच जो है वो जिस भी व्यक्ति ने अपनी फ़ोटो भेजी है उन्हें ये स्केच दिया जा रहा था। ये तरह तरह की पेंसिल्स यूज़ होती हैं स्केच बनाने में और बहुत ही सेटिस्फाइंग काम है ये, बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। जो बना रहा होता है उसका मन बहुत खुश होता है और जिसे स्केच मिलेगा वो काफ़ी लाइक करता है इस चीज़ को कि हाथ से बनी मेरी तस्वीर है। एक बहुत ही मेमोरेबल क्रिएटिव मोमेंट था। गीता जयंती चल रही है और ब्रह्म सरोवर पर इस टाइप की क्रिएटिव चीज़ें दिख जाती हैं। एंजॉय कीजिए दोस्तों। और एक जगह ये पेंसिल स्केच का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे बड़े बच्चे ये सारे पेंसिल से तरह तरह के स्केच बना रहे थे और जिसका भी स्केच बहुत अच्छा होता था उसे यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा था। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बच्चों में सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करती है और बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच की तरफ अग्रसर करती है। एक और जनाब यहाँ बैठे हुए थे जो बड़ा अच्छा एक टूल लेके बैठे थे। ये एक सर्कुलर प्लास्टिक की डिस्क है जिसके अंदर दांत लगे होते हैं और दूसरी एक चपटी सी डिस्क है जो उसके अंदर रोटेट करती है और वो गियर में फंस के पेंसिल बीच में लगाई है और डिज़ाइन बनाई।